यस, तो हमारा मेजर हेडिंग क्या चल रहा है? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हमारा मेजर हेडिंग चल रहा है, ठीक है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने लिया कि आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्सेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो फोर मेजर टाइप्स हैं, है ना, विच आर रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, दीज आर लिंकेज, आयोनाइजेशन, सोलवेट ऑब्लिक हाइड्रेट एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो दीज आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। लिंकेज इज रिलेटेड टू एम्बिडेंटेड लिगेंड, है ना। व्हेन एम्बिडेंटेड लिगेंड चेंजेस इट्स डोनर एटम देन लिंकेज आइसोमर्स आर क्रिएटेड। आयोनाइजेशन व्हेन देयर इज वन एक्सचेंज ऑफ वन आयोनिक लिगेंड, एनायोनिक लिगेंड, है ना, ओके। व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनायोनिक लिगेंड from the coordination entity to the counter ions, then it is the ionization isomers are created. And why these are called ionization? Because they create different ions in the in their aqueous solution. Yes, solvate, when among the exchanged ligand, one of the ligand is H2O, okay, or we can say when a counter ion is exchanged with a ligand which exchange with H2O, then the same isomerism, then the same isomerism is known as solvate or hydrate isomerism. Coordination, it is generally happen with the coordination compound which are found, which have both the negative and positive part of the coordination salt are coordination entity, okay. And when there is a exchange of ligand between these entities, then the आइसोमर क्रिएटेड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ओके, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोमियम के साथ NH3 है, यहाँ पर क्रोमियम के साथ CN हो गया। जैसे ही CN हुआ, क्रोमियम वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो वो हो गई, उसको हम बाद में लिख रहे हैं। और कोबाल्ट वाली जो पहले नेगेटिव चार्ज था इसलिए बाद में लिखी हुई थी, अब वो पहले लिखी जा रही है क्योंकि लिगेंड इसके साथ आ गया न्यूट्रल, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था, अब हम सीधा चलते हैं इसके ऊपर, आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, आप लोग फटाफट हेडिंग लगाइए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी देखो दो मेजर टाइप हैं, बता सकते हो क्या आप लोग? एक तो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, कौन सी है? ज्योमेट्रिकल, जब क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री डिफरेंट हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक आपकी कौन सी है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, है ना। ये बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का तो मतलब आप समझ गए ना कि स्पेस में ग्रुप्स और एटम्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट है, स्पेस में उनकी पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। जिससे जो आइसोमर क्रिएट हो रहे हैं उनको हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोल रहे हैं। ज्योमेट्रिकल, व्हेन ज्योमेट्री इज डिफरेंट, इट मींस लिगेंड्स का पोजीशन डिफरेंट हो स्पेस में, उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? जब दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर हो, है ना, मिरर इमेज हो और एनांशियोमर हो, तब उसको ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं एक दूसरे के, इनकी हम लोग बात करेंगे डिटेल में वन बाय वन। सबसे पहले लेते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, किसको? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप लोग हेडिंग लगाइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या हेडिंग लगाएंगे आप? आप लगाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इतना हो गया, अब देख लो भाई फटाफट, है ना। अब जरा स्क्रीन पे अपनी नजर ले आओ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली बनते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन में होते हैं, जरा देख लो किन में होते हैं। दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हमने डिस्कस किए हुए हैं, होमोलेप्टिक और हेटरोलेप्टिक, ठीक है। होमोलेप्टिक वो होते हैं जिनमें सारे लिगेंड एक ही तरह के होते हैं, जैसे आपने ये कॉम्प्लेक्स लिखा H2O6, है ना, ये आपने कॉम्प्लेक्स आयन लिखा। अब ये होमोलेप्टिक है या हेटरोलेप्टिक है जो मैंने लिखा है वो बताना फटाफट।
ये कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है जो मैंने लिखा है वो? ये होमोलेप्टिक है बिकॉज ऑल द लिगेंड्स आर सेम, देयर आर सिक्स लिगेंड्स एंड ऑल द सिक्स लिगेंड्स आर H2O मॉलिक्यूल्स. ओके, सो ऑल द लिगेंड्स आर सेम, सच लिगेंड्स आर नोन एज, सच कॉम्प्लेक्सेज आर नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज. तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं. दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? हेटेरोलेप्टिक, व्हेन देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच विद द मेटल आयन. ओके, ठीक है, इसकी बात करेंगे हेटरोलेप्टिक की. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो बेसिकली होते क्या है, जब ज्योमेट्री डिफरेंट होती है. अब ज्योमेट्री यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में कैसे डिफरेंट होगी? जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेंगे. ये लोग दे विल ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन अराउंड द सेंट्रल. अब डिफरेंट पोजिशन कैसे? आइदर दे विल ऑक्यूपाई द पोजिशन एडजेसेंट टू वन अनदर, या तो वो एक दूसरे के साइड वाली पोजिशन को ऑक्यूपाई करेंगे एडजेसेंट टू वन अनदर, एक दूसरे के पास पास वाली, या फिर वो एक दूसरे के ऑपोजिट वाली पोजिशन को ऑक्यूपाई करेंगे. तो इससे जो आइसोमर बनेंगे ना, उसमें से एक को हम लोग बोलते हैं सिस, एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांस. सिस किसको बोलते हैं? जिसमें दो जो सेम टाइप के लिगेंड है वो सेम साइड हो, सेम टाइप के लिगेंड सेम साइड, या तो ऐसे बोल दो, या फिर सेम टाइप के लिगेंड क्या हो ऑन द एडजेसेंट पोजिशंस, ठीक है, उसको सिस बोलते हैं, इसको ट्रांस बोलते हैं. और इसीलिए ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं. ठीक है, ये तो हो गई इतनी बात. ठीक है, आप इसको ज्यादा कुछ लिखने का यहाँ पर कुछ है नहीं. ठीक है, आप लोगों को बात समझने का है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने जो अभी बात की है ना, डिफरेंट पोजिशन किस तरह से ऑक्यूपाई करते हैं, एडजेसेंट टू वन अनदर या फिर ऑपोजिट टू वन अनदर, और सिस कैसे बनता है, ट्रांस कैसे बनता है, वो हम अब देखने वाले हैं, है ना, अब देखने वाले हैं फटाफट. यस, तो आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं. सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं. जरा बताना मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कौन कौन से जनरली डिस्कस करते हैं इसमें चैप्टर में, बता सकते हो क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर हम कौन कौन से डिस्कस करते हैं बताओ. कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन से डिस्कस करते हैं फटाफट बता दो भाई. फोर एंड सिक्स हमारे जो चैप्टर में हम ज्यादातर फोर एंड सिक्स ही डिस्कस करते हैं. ठीक है, है ना, ये दो ही डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ले रहे हैं वो ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की. किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर फोर. अब आप लोग जानते हो फोर कोऑर्डिनेशन नंबर में दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बताना जरा कौन कौन सा होता है. एक तो स्क्वायर प्लेनर, और एक और कौन सा होता है बता दो. टेट्राहेड्रल. ये दो पॉसिबल है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर प्लेनर को पकड़ रहे हैं कि किस तरह से सिसोट्रांस जो आइसोमर है वो क्रिएट होते हैं. बहुत इजी, आप समझ लोगे तो आराम से समझ में आएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर फोर ले रहे हैं स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा सकते हो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, या फिर आप पूरा लगा सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. ये लो भाई, शॉर्टकट में हो गया पूरा, और दुष्यंत भी हमारे साथ आ गए हैं. यस, तो ये हो गया क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्पेयर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस. ओके, अब बात करते हैं फटाफट. सबसे पहले आप देख लो जरा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होती है. ये मैंने एक मेटल लिया, ठीक है, मेटल के चारों तरफ ये बन गया आपका स्क्वायर, है ना. अब ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है उस पर मत जाना, और ये इसके चारों तरफ लिगेंड है. अब ये जो चारों लिगेंड और मेटल ये एक ही प्लेन में है, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, तो ये सबके सब एक ही प्लेन में है. ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सबके सब एक ही प्लेन में है. अब हम लोग देखने वाले हैं फटाफट कि किस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या दिखाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला ले रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का, वो फॉर्मूला देख लो फटाफट, है ना, और जरा स्क्रीन पे देखो क्या हो रहा है. Ma2B2. अब ये मैंने क्या लिया, ये फॉर्मूले से आप क्या समझे मैं बता देता हूँ, इधर साइड में बता देता हूँ. M तो हमारा मेटल हो गया, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. और ये A2 और B2 क्या है मैं बता देता हूँ, ये लिगेंड्स का नंबर है. A2 और B2 इसका मतलब टोटल फोर लिगेंड है, उसमें से दो सेम टाइप के हैं जिनको हमने A बोला है, और दो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं जिनको हमने B बोला है. तो टोटल दो टाइप के लिगेंड, ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल कैसा ले सकते हैं ये देख लो जरा, एग्जाम्पल कैसा लोगे आप इसका, कोई भी एग्जाम्पल सेटल कर सकते हो आप। पीटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो NH3 का होल ट्वाइस और ये Cl2, ये देख लो भाई। अब आपको फॉर्मूला और एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया जरा बताना, उसके बाद हम आगे चलेंगे क्योंकि हम सारे ये फॉर्मूले काफी सारे फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बता दो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है क्या? ए टू बी टू समझ में आ गया, चले आगे। ये जो मैंने ए टू और बी टू लिखा है ये यूनिडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइडेंटेट को लिगेंड को लिखने का तरीका अलग है। डाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल होता है और नॉन सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल लिगेंड को इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये जैसे मैंने लिखा है ना, और नॉन सिमेट्रिकल लिगेंड को इस तरह से लिखेंगे। ये डाइडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और यूनिडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग पूरे चैप्टर में, ए बी और सी स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ये हो गया, अब फटाफट देखते हैं इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, ये जो पीटी है ना, पीटी का सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये लो बना लिए। अब आपको हाँ, इसमें दो लिगेंड तो क्लोरीन है, दो लिगेंड अमोनिया है। एक काम करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स में सीएल सीएल को सेम साइड रख देते हैं। तो जब सीएल सीएल को सेम साइड रखेंगे, सेम साइड का मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अभी बता दो जरा, बता सकते हो क्या? यहां हमने रखा सीएल सीएल यानी कि सेम लिगेंड को ऑपोजिट पोजीशन पे, तो नंबर वन को क्या बोल रहे हैं बताओ जरा, पहले वाले को सिस बोलेंगे या ट्रांस? सिस, ये हो गया सिस। इसकी सिस का क्या डेफिनेशन है? सेम लिगेंड ऑन एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशंस, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, ये ट्रांस की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चलो इसका कर लेते हैं पहले सिस। यहां पर क्या हो गया, सेम लिगेंड ऑन ऑपोजिट पोजीशंस, ये लो ये ऑपोजिट पोजीशंस पे है, ऑपोजिट पोजीशंस पे है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। बात समझ में आ गई? ये देख लो सीएल सीएल ऑपोजिट पोजीशन पे है, ठीक है, तो ये ट्रांस हो गया और वो सिस हो गया। अब ये काफी अच्छा एग्जांपल है, जो एग्जांपल आपके सामने है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये जो सिस कंपाउंड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है सिस प्लेटिन। क्या है? सिस प्लेटिन है ये बेसिकली, है ना, यानी कि ये जो आपका कंपाउंड है जिसको हम लोग लिखते हैं सिस, और ये है पीटी और NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये है सिसप्लेटिन। और सिसप्लेटिन जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है। क्या है? एंटी कैंसर ड्रग। और स्टीरियो आइसोमर्स का क्या इंपॉर्टेंस आपको यहीं से पता चल जाएगा। ये तो एंटी कैंसर ड्रग है, कौन सा? सिसप्लेटिन, यानी कि सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लेकिन ट्रांस का कोई यूज ही नहीं है, ट्रांस का कैंसर में कोई काम नहीं। बात समझ में आई आपको? तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे ट्रांस और उसके बाद में इसको लिखेंगे PT NH3 to Cl2। अब बताओ भाई, आपको फॉर्मूला Ma2B2 समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना बोलते जाओ फटाफट, किस तरह से हमने इसका फॉर्मूला एडजस्ट किया, ठीक है, उसके बाद हाँ सिस और ट्रांस कैसे बनाए वो आपको आया या नहीं आया, ओके। उसके बाद में सिस वाले का इंपोर्टेंस भी हमने साथ में ले लिया, और इनको लिखते कैसे हैं आपको पता चल गया, प्रीफिक्स लगाते हैं। सिस है तो सिस प्रीफिक्स लगाएंगे, नहीं तो आप पहचानोगे कैसे, है ना, तो ट्रांस है तो ट्रांस प्रीफिक्स लगाएंगे। ये पहला, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कौन से? आपका सिस और ट्रांस। कैसे? इनमें लिगेंड की पोजिशन अलग हो गई, लिगेंड की पोजिशन चेंज है, एक में सीएल एडजेसेंट पोजिशन पे है, एक में सीएल ऑपोजिट पोजिशन पे है। तो इस तरह से ये जो स्टीरियो आइसोमर क्रिएट हुए हैं इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। दीज टू सिस एंड ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो जो हमने अभी बात पढ़ी थी ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर कि लिगेंड की पोजीशन डिफरेंट होती है, वो इस तरह से डिफरेंट है, ऑन आइदर ऑन एडजेसेंट पोजीशंस और ऑन द ऑपोजिट पोजीशंस, ठीक है। तो ये सिस एंड ट्रांस क्रिएट हुए, हमने देख लिया फॉर्मूला एम ए टू बी टू। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, ओके, चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। सेकंड फॉर्मूला है आपका एम ए बी सी डी। बताओ भाई इसका इसका मतलब क्या हुआ, एम ए बी सी डी क्या है आपके, ए बी सी डी क्या है बता दो,
चार डिफरेंट टाइप के यूनिडेंटेट लिगेंड है। देखो मैं एडजस्ट कर देता हूँ, पीटी के साथ पहले सीएल जोड़ देते हैं, फिर बीआर जोड़ देते हैं, फिर एफ जोड़ देते हैं, फिर आई जोड़ देते हैं, ये लो, कहीं ब्रैकेट नहीं आएगा इसमें। बात समझ में आई कि नहीं आई? एम ए बी सी डी आपको फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। आगे चले क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर चार डिफरेंट लिगेंड अटैच हैं, चलो देखते हैं कैसे करना है। अभी देखते हैं, सबसे पहले पीटी का हम बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये लो तीन बना देते हैं पहले, ठीक है, पहले तीन बना देते हैं, क्योंकि इसके तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तब तक आप भी तीन स्क्वायर प्लेनर बना लो फटाफट, जब तक मैं इधर स्क्रीन पे बना रहा हूं आप फटाफट अपनी कॉपी में बना लो। ओके, बन गए। अब आपको करना क्या है, देखो चार डिफरेंट लिगेंड है ना, एक बार एक काम करो, चारों को कहीं भी रख दो। आपने यदि बना लिया है तो अब चारों को कहीं भी रख दो। सीएल मैंने पहले रखा, फिर मैंने बीआर रख दिया, फिर मैंने एफ रख दिया, फिर मैंने आई रख दिया। बात समझ में आ गई? अब आपको क्या करना है, एक पेयर चुनना है, कोई भी एक पेयर को सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं मैंने सीएल और बीआर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, किसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, सीएल और बीआर, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, ये देखा कि सिस कौन सा है या ट्रांस कौन सा है, ठीक है। ये कैसे करेंगे, चलो अभी बात करते हैं, पहले तीनों बना लेते हैं। अब आपने देखो तीनों कैसे बनाएंगे, फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर जहां मैं अभी लिख रहा हूं, उसमें आप देख लो सीएल के ऑपोजिट कौन है, बता रहा, जरा बताना मुझे सीएल के ऑपोजिट कौन है फर्स्ट में, आई आई। तो अब आप एक काम कर, हाँ अब सीएल के ऑपोजिट 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 आयोडीन देख लो जरा, एफ नहीं है सीएल के ऑपोजिट, ये रहा ऑपोजिट, ठीक है, तो ऑपोजिट आई है ना। अब आप एक काम करो, एफ को रख दो, बी आर को वापस यही की यही, आई को यहाँ रख दो। फिर अब एक काम करो, सीएल के ऑपोजिट आई भी आ गया और एफ भी आ गया, तो कौन सा बच गया जरा बताना, बी आर, तो अब बी आर लगा दो, ये लो बी आर लगा दिया है ना। तो अब बी आर लगाओगे तो यहाँ एफ रख दो और यहाँ आई रख दो, ठीक है। अब और फोर्थ तो बन नहीं सकता ना, फोर्थ नहीं बन सकता ना, क्योंकि हमने सीएल के ऑपोजिट आई भी रख दिया, एफ भी रख दिया, बी आर भी रख दिया, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप और कोई भी बनाओगे तो वो इनमें से ही कोई होगा, यदि आप फोर्थ कोई भी बनाओगे ना वो इनमें से ही कोई होगा। इसका मतलब इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, तीन थ्री ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स, थ्री ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स, थ्री थ्री थ्री, ठीक है। अब थ्री में आप कहेंगे सर सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, तो इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आपको एक पेयर सेलेक्ट करना है, क्या करना है, सेलेक्ट वन पेयर, कोई सा भी पेयर। मान लेते हैं हमने सीएल और बीआर को सेलेक्ट किया, किसको, सीएल और बीआर, इनको मान लिया कि ये दोनों भाई है, ठीक है। तो अब ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे उसको सिस को लेंगे, और ये दोनों ऑपोजिट पोजीशन पे होंगे उसको ट्रांस को लेंगे। ये देखो उस हिसाब से सीएल बीआर सेम साइड है कि नहीं है बताना जरा, नंबर वन में, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, सिस। और ये जरा सेकंड बताना आप, सेकंड को क्या बोलूं मैं, सिस। थर्ड को क्या बोलूं, ट्रांस। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि मैंने सीएल बी आर सेलेक्ट किया तो ही ऐसा हुआ है, आप कोई भी एक पेयर ले लो, आप आई और एफ ले लो, बी आर और एफ ले लो, कोई भी ले लो, आएगा हमेशा यही क्या, दो सिस और एक ट्रांस, दो सिस और एक ट्रांस। तो टोटल यहाँ पर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिले, टोटल आइसोमर आपको मिले, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए, वो हुए थ्री। उनमें से क्या है, उनमें से थ्री में टू तो हमेशा ही क्या होंगे बताओ जरा, टू सिस प्लस वन क्या होगा, ट्रांस। ये लो, ये कहानी है इस फॉर्मूले की, किस फॉर्मूले की, जिसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो और चारों लिगेंड डिफरेंट हो, चारों लिगेंड डिफरेंट हो। तो इस तरह से आप तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ड्रॉ कर सकते हो, तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आप सिस और ट्रांस बता सकते हो, है ना। और लेकिन हमेशा ही कैलकुलेशन क्या आएगी आपकी, दो हमेशा ही सिस आएंगे और एक हमेशा ट्रांस आएगा, चाहे आप पेयर कोई सा भी ले लो, मैंने जैसे सीएल बी आर ले लिया, आप कोई सा भी ले लो। बात समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा। इसको हमने ट्रांस क्यों कहा, क्योंकि सीएल एंड बी आर क्या है, ऑन ऑपोजिट पोजीशंस, इसलिए ये क्या है, ट्रांस है, ये इसका रीजन है, ठीक है। ये सिस क्यों है, सीएल एंड बी आर
आर ऑन सेम साइड, ठीक है, ये लो भाई सेम साइड बोल दो, चाहे इसको बोल दो आप ऑन एडजेसेंट पोजिशन, कुछ भी बोल दो, ठीक है, हो गया। सेकंड वाले में थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दो सिस एक ट्रांस, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ जरा। सर एक बार में दो ट्रांस और एक सिस नहीं बन सकता? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक काम करते हैं, कोई सा भी एक पेयर ले लो, देखो कोई सा भी एक पेयर ले लो, दो ट्रांस कभी नहीं बनेंगे, कोई सा भी एक पेयर ले लो, मैंने CLBR लिया ना, आप एक काम करो CL और I ले लो, अब देख लो CL और I लेकर के देख लो, CL और I एक में आपको ऑपोजिट मिलेगा और दो में आपको एडजेसेंट मिलेगा, देख लो सही बात है क्या? यस सर, बट सर अगर सेकंड वाले में जहां पर ये सेकंड में स्ट्रेस हो रहा है, अगर CL के ऑपोजिट BR की जगह I कर दे तो भी वही होगा, हमने तो पेयर सेलेक्ट कर लिया ना CL और BR, देखो तो हमें CL, हमें सिर्फ ये देखना है कि CL और BR की क्या पोजीशन है, CL और BR यदि ऑपोजिट है तो वो ट्रांस होगा, CL और BR यदि एडजेसेंट पोजीशन पे है तो वो सिस होगा, कहानी खत्म। अब जो सेकंड वाला है एक काम करते हैं, सेकंड वाले में क्या वेरिएशन बताया बताना जरा, अभी ड्रॉ करते हैं, बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो मैं ड्रॉ कैसे करूंगा। CL के ऑपोजिट क्या रखूं बताओ सर? CL के ऑपोजिट F और F के जस्ट ऊपर I। हाँ चलो ये रखते हैं, F के जस्ट ऊपर I और इधर रखा मैंने BR, यही तो हुआ, ठीक है ना। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड आपके ये जो सेकंड नंबर है ना उसके सिमिलर ही है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसके सिमिलर ये, बस आपने क्या किया इसको एक पल्टी खिला दी, पल्टी खिलाने का मतलब मैं बताऊं क्या किया आपने, यहाँ पर एक एक्सिस लो, ठीक है, और इस आई को उठा करके ऊपर कर दो, मतलब इसको उधर से ऊपर कर लो और बी आर नीचे से होता हुआ उधर आ जाएगा, वो वैसा ही बन जाएगा, मॉलिक्यूल सेम ही है, समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस सर आ गया। तो ये वो सेम मॉलिक्यूल है ये, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है, सेकंड वाला ही है ये, क्योंकि CL के ऑपोजिट देख लो F है, उसमें भी F है, CL और BR एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, इसमें भी हैं, तो सेम मॉलिक्यूल है वो, इसमें उसमें डिफरेंस ही नहीं है कोई, ठीक है, इसलिए हमेशा क्या होगा, हमेशा केवल और केवल दो सिस होंगे और ट्रांस आपको एक ही मिलेगा, चाहे आप पेयर कोई भी सिलेक्ट कर लो, और मैक्सिमम पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर 3 ही होगा, यू कैन नॉट डिजाइन द फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ वन आप कभी डिजाइन नहीं कर सकते, आप करेंगे तो उन तीन में से ही कोई एक होगा। यस, अब अगला फॉर्मूला ले लेते हैं, किसका, किसी का, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, जरा देखिएगा क्या फॉर्मूला है, MAB2, बताओ भाई इसका एग्जांपल बता सकते हो क्या, AB का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन AB, बताओ, पहली बात तो ये बताओ ये डाइडेंटेट लिगेंड है या यूनिडेंटेट है, फटाफट बताओ। सर डाइडेंटेट वाले, ये डाइडेंटेट है जिनके दो दांत होते हैं, दो दांत होने से मतलब है कि जो दो बॉन्ड बनाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना एट ए टाइम विद द मेटल, ओके डाइडेंटेट, ओके हो गया। अब ये सिमेट्रिकल डाइडेंटेट है या नॉन सिमेट्रिकल डाइडेंटेट है बताना जरा, नॉन सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल आपको पता है, मैंने आपको बार बार कहा हुआ है डाइडेंटेट आपको परेशान करने वाले हैं, डाइडेंटेट जो हमने बात किया है उनको कॉपी में कहीं बना लो और उनको याद करो, ठीक है, आपको यही परेशान करेगा और कोई नहीं करेगा, डाइडेंटेट ही बार बार यही आएगा, ठीक है। तो जरा मैं डाइडेंटेट लिगेंड आपको बता दूं, ओके आप मुझे बताना इसका नाम और क्या बोलते हैं, यस आप मुझे बताते जाएंगे फटाफट, उसका नाम बताएंगे और उसका एब्रीविएशन भी बताएंगे और उसके ऊपर चार्ज तो मुझे बनाना पड़ रहा है इसलिए चार्ज तो हो गया, इसका नाम बता दो भाई फटाफट। यस ये ऑक्सोलेट है, ऑक्सोलेट है और उसका एब्रीविएशन क्या है आपके सामने है, OX, ठीक है। अच्छा बताओ ये सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है सर, ये सिमेट्रिकल है, आप यहाँ से प्लेन पास करेंगे देख लो, दो बराबर इसके दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब दिस इज सिमेट्रिकल टाइप ऑफ डाइडेंटेट लिगेंड,
ओके, और सिमेट्रिकल कौन से हैं जरा देख लेते हैं। इथाइलिन डाइएमिन आपका बहुत ही क्या बोलते हैं फेमस लिगेंड जो बार बार आपसे टकराएगा। यस ये है इथाइलिन डाइएमिन, इसके भी भाई दो दांत हैं, ये दो बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में, एक साथ दो डोनर एटम है। यस ये नाम आपको पता चल गया, इसका एब्रिविएशन बता दो मुझे बस। इथाइलिन डाइएमिन EN है, डाइडेंटेट है, चार्ज इस पे है नहीं, ध्यान रखना ऑक्सलेट पे -2 चार्ज है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, फटाफट सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, यानी कि इनको आप लिखेंगे इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से, ए ए ए ए का मतलब हो गया सेम डोनर एटम है ना, या फिर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ए का मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सेम डोनर एटम, देख लो इनमें सेम डोनर एटम है, लेकिन डोनर एटम सेम होना काफी नहीं है, सिमेट्रिकल होना काफी है, तो ए का मतलब सिमेट्रिकल। अब नॉन सिमेट्रिकल आपको कुछ भी पता है क्या, बाइडेंटेट हो नॉन सिमेट्रिकल हो, एनीथिंग, डीएमजी बिल्कुल सही है, लेकिन इससे एक बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है बेचारा, जो बार बार आता रहता है आपसे टकराता है, वो है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिन तो एमिनो एसिड आपने पढ़े है ना, ग्लाइसिन एमिनो एसिड पढ़े है ना, जरा देखना यही तो नहीं है कहीं, ये आपका ग्लाइसिन है, यही है। अब इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन है ना वो इसने रिलीज कर दिया, एसिड है ना, ये हो गया निगेटिव चार्ज, अब ये निगेटिव चार्ज हो गया तो ये डाइडेंटेट हो गया, कैसे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उधर एक ऑक्सीजन हो गया डोनर एटम, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका CH2 है, ये आपका CO है, और ये आपका, चलो एक काम करते हैं यहीं लगा देते हैं ये लो, और इधर ये आपका NH2 है, ठीक है, ये लो NH2 और ये लोन पेयर, एक लोन पेयर से बॉन्ड बन रहा है, एक ऑक्सीजन माइनस से बॉन्ड बन रहा है मेटल के साथ, लेकिन ये लिगेंड है आपका अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट, इसलिए इसको लिखेंगे ए बी से, ए बी का मतलब हो गया अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड, समझ में आया या नहीं आया बताओ, ग्लाइसिनेट GLY, आगे चले yes, तो फिर फटाफट इसका फॉर्मूला लिख लो, फटाफट बिना देर किए पीटी और लिख लो GLY बस, और कुछ इसका एब्रीवेशन भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, ये लो हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके दो कैसे क्रिएट करेंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आप स्क्वायर बनाएंगे, फटाफट बना लीजिए, ये मैंने स्क्वायर बना लिया है, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर फटाफट बना लिया है, जैसा बन रहा है यहाँ पर, चलो ये मैंने स्क्वायर फटाफट बना लिए हैं। अब GLY को देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको डोनर एटम बताना मुझे, कैसे इसके डोनर एटम बताना GLY के, GLY के डोनर एटम बताना, N और O, तो इसको रिप्रेजेंट पता है कैसे करेंगे, देखो स्क्रीन पे मैं कैसे लिख रहा हूं, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक डोनर एटम आपका O, एक डोनर एटम आपका या नाइट्रोजन, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। OX को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, OX दोनों ही ऑक्सीजन है ना, ये लो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। EN को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, EN, N और N, ये देखो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है फॉर्मूले, ठीक है। तो GLY को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ हमने लिखा GLY, एक तरफ ऑक्सीजन डोनर एटम, एक तरफ नाइट्रोजन एटम, और इससे इसको कर दिया कनेक्ट, ये लो भाई, और इधर भी आपने लिखा GLY, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ नाइट्रोजन, ठीक है, हो गया। अब इसमें भी कर देते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ इस तरफ नाइट्रोजन दे देते हैं, और इस तरफ भी नाइट्रोजन दे देते हैं, और ये GLY, ये लो, ठीक है, यहाँ भी कर देते हैं GLY, ये ऑक्सीजन इधर, ये लो। अब मुझे बता दो एक सीसे और एक ट्रांस से कौन सा फटाफट बता दो, फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं, यस ओके। तो ये हो गया हमारा ट्रांस और ये हो गया हमारा सिस, आपको पता चल गया होगा सेम डोनर एटम ऑन एडजेसेंट पोजीशन,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन एडजेसेंट पोजीशन, सेम डोनर एटम एडजेसेंट पोजीशन, सिस है सेम डोनर एटम ऑपोजिट पोजीशन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑपोजिट है, देख लो नाइट्रोजन यहाँ पर और नाइट्रोजन यहाँ पर ऑपोजिट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑपोजिट है, ये आपका ट्रांस है। ये हो गया एम ए बी टाइप के फॉर्मूले का, ठीक है। ये हम आपने ए बी ए ए ई एन डी एम जी ये सारा कर लिया है, और अब यस वो दिखाऊं, आपने नहीं लिखा है तो आप यदि नहीं लिख पाते हैं तो मुझे बोल सकते हैं कभी भी, मैं वो स्क्रीन को क्या बोलते हैं, यस ओके ओके यस। अब आगे चलते हैं भाई, कुछ फॉर्मूले हैं मेरे पास, अब आपको पता चल गया होगा कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। फोर्थ वन फॉर्मूला है मेरे पास, आप बताएंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बताओ फटाफट। नो सर। और ये एम ए थ्री बी, ये भी नहीं दिखाएगा क्या? और ये बताओ जरा, इन सब के एग्जांपल लिख दूं मैं, इन सब के एग्जांपल लिख दूं। देखो मैं लिखता हूं पी टी सी एल फोर, एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक यहां लिखते हैं पी टी सी एल थ्री और बी आर, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिखते हैं पी टी आपका ऑक्सीलेट कर देते हैं ओ एक्स टू, ये लो। अब बताओ यहाँ टू माइनस कर देते हैं, यहाँ भी टू माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी टू माइनस आएगा ओके। बता दो इनमें से कोई सा शो करेगा क्या? कोई सा भी नहीं करेगा। यू कैन नॉट क्रिएट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग दीज थ्री फॉर्मूला ऑफ दीज थ्री फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे आप उनके ज्योमेट्रिकल नहीं बना सकते, आप उसमें सिसो ट्रांस नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप इनके लिख लो ऑल दीज थ्री फॉर्मूला के क्या होते हैं, नो ज्योमेट्रिकल, फटाफट लिख लो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं सर, ठीक है। हाँ बोलो सर, सेकंड वाला हेटरोलेप्टिक होगा क्या? सेकंड वाला हेटरोलेप्टिक है, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है, लेकिन लेकिन अब यहां पर एक चीज देखो, सारे हेटरोलेप्टिक पे वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यदि दिखा रहा है तो वो हेटरोलेप्टिक है ना। यहाँ पे उस तरह का सेंटेंस डिजाइन हो गया आपकी, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर जनरेटेड फ्रॉम हेटरोलेप्टिक, या फिर ऑल हेटरोलेप्टिक शोज ज्योमेट्रिकल, नो ऑल हेटरोलेप्टिक दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल, बट ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे आर फ्रॉम हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ओनली, राइट? यस सर। ओके, तो इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार में एक दूसरा और बच गया भाई, बता दो कौन सा बचा है। टेट्राहेड्रल, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं क्या? टेट्राहेड्रल में क्या ऑपोजिट पोजीशन और सेम साइड इस तरह का कॉन्सेप्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, बताओ जरा? नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन उनकी सेम होती है। एक जो टेट्राहेड्रल है, मान लेते हैं ये मेटल है, अब आपने ये आपने टेट्राहेड्रल लगाया और आपने लिगेंड दे दिए 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी के ऑपोजिट है, कोई किसी के साइड में है, या कोई किसी के एडजेसेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो वन है, ये जो वन लिगेंड है, इसकी रिलेटिव पोजीशन सेकंड के थर्ड के फोर्थ के इक्वल है, यानी कि इसका जो बॉन्ड एंगल है सेकंड से थर्ड से है ना और फोर्थ से, वो 109.28 डिग्री सिमिलर है, क्योंकि ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम 109.28, इसलिए ऑल जो ये जो चार बॉन्ड है मेटल से रिलेटेड, ये जो चार बॉन्ड है जिनको मैंने किया है क्या अभी बोल्ड, ठीक है, इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम है, दैट्स व्हाई देयर्स नो पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल। बात को समझो, ये स्क्वायर प्लेनर में पॉसिबल थी, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में ऑपोजिट होने का और सेम साइड होने के चांसेस थे, 1 2 3 4, हम कह सकते हैं कि 1 और 4 ऑपोजिट है, ये कह सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांस, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि 1 के ऑपोजिट कोई भी नहीं है और 1 के एडजेसेंट पोजीशन पे तीनों है,
इसी तरह से फोर के ऑपोजिट कोई नहीं है और एडजेसेंट पोजिशन पे तीनों है, इसी तरह से थर्ड के ऑपोजिट कोई नहीं है एडजेसेंट पोजिशन पे तीनों है, इसी तरह से सेकंड के ऑपोजिट कोई नहीं है और एडजेसेंट पोजिशन पे वन टू थ्री तीनों है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर टेट्रा है Yes. आपने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑल द फोर बॉन्ड्स, ऑल द फोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैव सिमिलर रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, इसका आप स्टेटमेंट लिख लो, मैं आपको फटाफट डिक्टेट करा देता हूँ। जस्ट राइट द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट व्हाई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका स्टेटमेंट लिख लो भाई, फटाफट लिख रहे हो क्या? बोल दूं? यस सर। तो लिख लो फटाफट। इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल फोर बॉन्ड्स, bonds attached to the metal atom, attached to the central atom कर लो, attached to the central atom is same with respect to each other, Hence, tetrahedral structure do not show geometrical isomerism. ये लो भाई, geometrical isomerism. Tetrahedral structure है वो geometrical isomerism show नहीं करती है, because all the four bonds have same relative position. रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑल फोर बॉन्ड्स अटैच टू द सेंट्रल एटम इज सेम, इसलिए कोई किसी के ऑपोजिट नहीं हो सकता, कोई किसी की साइड नहीं हो सकता, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट करने का स्कोप ही खत्म हो गया टेट्राहेड्रल में। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने रीजन लिख लिया तो ये टेट्राहेड्रल आपका पूरा हो गया, और अब आप हेडिंग लगाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें बताना जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में स्ट्रक्चर कैसी होगी बताना जरा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आप जानते हो क्या कैसी होती है, जिसमें फेसेस कितने होते हैं बताना जरा, कितने फेसेस होते हैं, हाउ मेनी फेसेस आर देयर? सर एट फेसेस। आर यू एबल टू लोकेट दीज फेसेस बताओ जरा, आप इनको लोकेट कर सकते हो क्या, एट फेसेस को? नो सर, शायद नहीं। देखो इधर देखो, ये मेटल है सेंटर में, ठीक है, और इसमें सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, तो हमने लगाया ये छह लिगेंड लगा दिए, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों है वो देख लो जरा, प्लेन में तो आपके होगा स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर में एक वैलेंसी आप ऊपर लगा दो, एक वैलेंसी नीचे लगा दो, तो ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इसको ऑक्टाहेड्रल में आपको एट फेसेस कैसे दिखेगी मैं बता देता हूँ फटाफट, लेकिन इसके लिए मुझे कलर को करना पड़ेगा क्या चेंज, ठीक है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आगे काम में लूंगा, ठीक है, ताकि आप उस टाइम नहीं उलझो जिस टाइम मैं इसको बता रहा हूँ। ओके, ये देखो, ये मैंने एक फेस बनाई है, ये जो तीन इधर वाले मेरी जो राइट साइड है या आपकी भी राइट साइड आ रही होगी ये, तो उस राइट साइड वाला जो फेस है ना, ट्राइगोनल फेस है बेसिकली ये, तो जो आपने बताया ना एट फेसेस, ये एट ट्राइगोनल फेसेस होते हैं, और ये मैंने देखो बना दिया,
ये ट्राइगोनल फेस मैंने बना दिया, इसको मैंने ये रोटेट भी कर दिया, ये इधर वाला फेस है, राइट right? बात समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा, आपको एक फेस दिख गया क्लियरली? यस सर। तो ट्राइगोनल फेस आपको एक ऊपर दिख गया, ठीक है। अब इसी तरह से ऊपर चार होते हैं, आप लोकेट कर सकते हो, जैसे आमने सामने वाले बनाऊं मैं, ये देखो ये आमने सामने वाला बना दिया अब मैंने, जो राइट का बनाया था अब मैंने लेफ्ट का बना दिया, ये देखो हो गया ना, ये देखो आमने सामने वाले मैंने दो ट्राइगोनल फेसेस बना दिए। अब एक फेस मतलब ये मैंने बनाया राइट का, ये मैंने बनाया लेफ्ट का, एक फेस आपके बिल्कुल सामने है, फेस आपके फेस के सामने है, ये जो दिख रहा है कौन सा, ये देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सामने वाला है, बात सही है ना, ठीक है। और एक फेस इसके पीछे वाला है, ठीक है। तो ऊपर कितने फेसेस होते हैं बताओ जरा? फोर। स्क्वायर प्लेनर के ऊपर फोर, तो स्क्वायर प्लेनर के नीचे वाले नीचे कितने? फोर। टोटल कितने? एट ट्राइगोनल फेसेस हैं, ये भूलना मत इनको, ट्राइगोनल फेसेस, एट ट्राइगोनल फेसेस, दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपकी ऑक्टाहेड्रल है। अब हम लोग फटाफट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रोसीड करने वाले हैं, वैसे ही फॉर्मूले लेने वाले हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी लिए थे। और सबसे पहला फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है, और वो है आपका नंबर वन एम ए फोर बी टू। एक कॉम्प्लेक्स लिख दो भाई इसका फटाफट, है ना। देखो कोबाल्ट ले लेते हैं, कोबाल्ट और ए फोर यानी कि एक लिगेंड सेम साइड के, मतलब चार लिगेंड हैं वो सेम टाइप के हैं और दो लिगेंड डिफरेंट है। ये लो भाई, हो गया कि नहीं हुआ बताना जरा, कॉम्प्लेक्स मैंने सेटल कर दिया, आपके पकड़ में आ गए, बता भी दो। आप फटाफट इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो क्या? देखो मैं बनाता हूँ, सबसे पहले आप एक स्क्वायर प्लेनर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो कोबाल्ट को आप दे दो बीच में, ये लो, ठीक है, दे दिया। अब आपको चार लिगेंड रखने हैं और छह लिगेंड रखने हैं, कोई बात नहीं, ये लो ये बन गया स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एक और बना लेते हैं, आप भी क्या याद करेंगे, फटाफट आप भी बनाइए मेरे साथ सर, ये लो हो गया। अब आपको क्या करने हैं, लिगेंड रखने हैं, ध्यान रखना सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड होगा तो वो ट्रांस होगा, ये पकड़ लो हमेशा, सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड तो ट्रांस। अब आपको करना क्या है, ये जो सेम लिगेंड को ऑपोजिट साइड रख देते हैं यहाँ पर, सी एल सी एल है ना, सेम लिगेंड इसको ऑपोजिट साइड रख देते हैं और चार एन एस थ्री यहाँ लगा देते हैं, ये लो आपने आप भी लगा लो फटाफट। तो ये कौन सा हो गया, और अब एक काम करते हैं फर्स्ट वाले में सेम लिगेंड को ऑपोजिट नहीं रखते हैं, एडजेसेंट पोजिशन पे रख देते हैं, ये लो सी एल मैंने यहाँ रखा और यहाँ रखा, बाकी जगह सब जगह एन एस थ्री लगा देते हैं, ये लो बाकी जगह एन एस थ्री। अभी आराम से स्क्रीन पे देखो, मेरी आवाज को सुनो और समझो, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बता दो सिस कौन सा ट्रांस कौन सा, फटाफट देखो सेम लिगेंड ऑपोजिट, हाँ सेकंड वाला ट्रांस है, सेम लिगेंड ऑपोजिट पोजीशन पे है, इसमें सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो ये सिस है, कहानी खत्म, ये हो गया खत्म। अगला फॉर्मूला ले रहे हैं, आप लोग फटाफट इसको पूरा कर लो, अगला फॉर्मूला ले रहे हैं तब तक, सेकेंड फॉर्मूला, और ये बहुत जबरदस्त आ गया, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे सामने, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एम ए थ्री बी थ्री का, एम ए थ्री बी थ्री, और आप इसका वो एडजस्ट कर सकते हो क्या, फॉर्मूला सी ओ कोबाल्ट मेटल ले लो, ए थ्री यानी कि एक लिगेंड सेम साइड के, दूसरे भी सेम साइड के, चलो एन एच थ्री ले लेते हैं, आप ही क्या याद करोगे, एन एच थ्री का थ्री और सी एल का थ्री, जरा देखना फॉर्मूला सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर वाले आपने लिखे या नहीं लिखे बताना जरा, लिख लिए? यस सर। लिख लिए, तो अब यहाँ आ जाओ एम ए थ्री बी थ्री वाले में, एम ए थ्री बी थ्री वाले में फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इसमें तो समझने की कोई बात नहीं है। अब हम सीधा ही एग्जांपल लेते हैं, और मैंने अभी वो क्यों बताया था आपको, फेस एट होती है, ट्राइगोनल होती है, मैं उसका यूज यहाँ से लूंगा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप दो ऑक्टाहेड्रल बना लो भाई फटाफट, कोबाल्ट ले रहे हैं हम लोग बार बार, कोबाल्ट ले रहे हैं फटाफट, स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है, तब तक मैं बना रहा हूँ, तब तक आप काम कीजिए। यस ठीक है, आप क्लास को क्लास की जैसे करेंगे तो आप सीखेंगे, क्लास की जैसे नहीं करेंगे, वीडियो की तरह करेंगे तो आप उतना ही सीखेंगे जितना एक वीडियो से सीखते हैं, ठीक है। यस ओके, ये हो गया। अब आपको करना क्या है देख लो,
मैं क्या बना रहा हूँ वो देख लो, मैं सबसे पहले एक जो कॉम्प्लेक्स है वो बना रहा हूँ, जरा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तीन लिगेंड सेम टाइप के हैं NH3 और तीन बाकी हैं वो भी सेम टाइप के हैं Cl3। सबसे पहले मैंने एक काम किया, ये जो Cl है इनको एडजेसेंट पोजिशन पे रख दिया, तीनों को एडजेसेंट पोजिशन पे रख दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, जो बाकी NH3 बच गया उनको, जो भी जगह बची हुई है वहां मैंने उनको रख दिया, ठीक है। मैंने ओपोजिट नहीं रखा, सिमिलर लिगेंड को मैंने बिल्कुल ओपोजिट नहीं दिया, देख लो आप देख सकते हो, मैंने सिमिलर लिगेंड को ओपोजिट नहीं दिया। अब आपको क्या करना है, अभी आपने ये देख लिया ये कैसे मैंने बनाया, सिमिलर लिगेंड को एडजेसेंट पोजिशन पे दे दिया, ठीक है, ओपोजिट नहीं देना। अब मैं क्या करूंगा, सिमिलर लिगेंड को ओपोजिट दे दूंगा, सीएल को ओपोजिट दे दिया मैंने, ये लो सबसे पहले मैं दूंगा ओपोजिट, ठीक है, स्क्रीन पे देख लो समझ लो, पहले सबसे पहले मैंने दिया ओपोजिट। अब क्या करना है, अब चाहे मर्जी आए जहां जिसको रख दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये लो सीएल एक मैंने यहाँ रखा, NH3 मैंने यहाँ रखा और NH3 मैंने यहाँ रखा और एक NH3 बच गया वो यहाँ रख दिया, ठीक है, ये बन गए दो। अब यहाँ पर सिसो ट्रांस का कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ लो यहाँ पर क्या है, समझ लो यहाँ पर सिसो ट्रांस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर किस चीज का कॉन्सेप्ट है अभी बताता हूँ आपको, जरा देखना। ये जो फर्स्ट वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो तीनों, उसमें तीनों जो सिमिलर लिगेंड्स हैं वो सेम फेस को ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखो सेम फेस को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बताओ जरा, तीनों सीएल बताओ आप लोग, हाँ कहोगे तो ही मैं आगे चलूंगा। ये देखो मैंने ग्रीन कलर से ये सेम फेस बनाई है और तीनों सीएल इस सेम फेस को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये देखो बना दी ना मैंने, यस हो रहे हैं ना, वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा एक बात और देखना, ये तीनों NH3 भी सेम फेस को ज्वाइन कर रहे हैं क्या, जरा देखना, यस सर ये भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ये वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिनमें सिमिलर लिगेंड सिमिलर फेस को ज्वाइन करते हैं, सिमिलर लिगेंड सिमिलर फेस को ज्वाइन करते हैं, और इसको सिसो ट्रांस यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है फेसियल और मेरिडियोनल। तो ये आपका फेसियल ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, फैक, क्या लगाते हैं, फैक, कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं फैक और फिर स्क्वेयर ब्रैकेट, फिर आपका कोबाल्ट और फिर आपका NH3 और फिर आपका Cl3, ये लो इसको फैक प्रीफिक्स लगा करके लिखते हैं। फेसियल, फेसियल का मतलब, फेसियल का मतलब भी लिख लो, सिमिलर लिगेंड्स, फटाफट लिख लो, सिमिलर लिगेंड्स जॉइनिंग जॉइनिंग द सेम, बताओ सेम फेस, सेम फेस, सेम फेस को ज्वाइन किया है सिमिलर लिगेंड ने, इसको बोलते हैं फेसियल। अब जो दूसरा बच गया उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस थोड़ी बोलेंगे, नहीं, फेसियल का जो ऑपोजिट है जिसमें सिमिलर लिगेंड ऑपोजिट साइड में है, कोई भी तीन सिमिलर लिगेंड ने सेम फेस ज्वाइन नहीं किया, इसको बोलते हैं मेरिडियोनल। क्या बोलते हैं बोलना जरा, मेरिडियोनल, मेरिडियोनल में प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, मर, है ना, मर प्रीफिक्स लगाएंगे, ये लो NH3 Cl3, ओके, है ना, इसमें क्या है, है ना, इसमें बस वो सेम फेस को ज्वाइन नहीं कर रहे, है ना, हमने एक लिगेंड, एक सेम तरह के लिगेंड को हमने ओपोजिट रख दिया, जैसे ही ओपोजिट रख देंगे वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा फेसियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको क्या सीखना है, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो फॉर्मूला है Ma3B3 उसमें फेसियल और मेरिडियनल होता है, फेसियल किस तरह से लिखते हैं और मेरिडियनल को किस तरह से बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ दीज टू आइसोमर्स फेसियल और मेरिडियनल, ये आपको आना चाहिए। फेसियल में आपको तीनों सिमिलर लिगेंड को सेम फेस पे रखना है, मेरिडियनल में आपको सिमिलर लिगेंड को एक को ऑपोजिट साइड में रख दो, बाकी को कहीं भी रख दो, कोई मतलब नहीं, वो मेरिडियनल ही बनेगा, मेरिडियनल आपको सीखना ही नहीं है, आपको सीखना है फेसियल, फेसियल के अलावा आप कुछ भी बना दो वो मेरिडियोनल बनेगा, बस सिमिलर लिगेंड ऑपोजिट में होना चाहिए, जैसे मैंने सीएल सीएल को सबसे पहले ऑपोजिट में रखा, बाकी बाकी जो बच गए उनको मैंने साइड में रख दिया, जहां भी जगह है वहां रख दिया। आपको समझ में आया नहीं आया बताना जरा, बता भी दो, यस सर, आगे चले, बना लिए कॉपी में, यस सर, ओके, जब बन ही गया है तो फॉर्मूला नंबर कितना आ गया बताओ जरा, थर्ड है क्या, यस सर थर्ड, थर्ड है, तो फटाफट लिख लो भाई, अब बहुत जबरदस्त जबरदस्त फॉर्मूले आने वाले हैं आपके सामने और मैं अब ज्यादा देर बिल्कुल नहीं करूंगा, ये हम खत्म करने वाले हैं,
ये लो, इसका बता दो ज्योमेट्रिकल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। आप ड्रॉ कर सकते हो क्या इसके? आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, सिमिलर लिगेंड को ऑपोजिट साइड कर दो, सिमिलर लिगेंड यहाँ पर बी आपको दिख रहा है ना, इसको ऑपोजिट साइड कर दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका एग्जांपल सेट कर सकते हो ना आप, कोबाल्ट ए ए लिगेंड बताओ भाई, कोई कोई सा भी ए ए लिगेंड किसको दूं मैं? ए लिगेंड कौन सा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? बाइडेंटेट है, सिमेट्रिकल है, ई एन दे दें, ई एन टू और इसको सी एल टू, ठीक है हो गया। अब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे ड्रॉ करोगे फटाफट? एम 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 क्या ये हमारा क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, यस फटाफट बना लो भाई, ऑक्टाहेड्रल बनाओ सबसे पहले तो, ये लो ये ऑक्टाहेड्रल, एक और बनाओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आज खत्म करेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जिसमें सेम लिगेंड को एडजेसेंट पोजीशन पे रखा है वो आपका हो जाएगा क्या, सिस हो जाएगा। देखो जरा आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ई एन को आप जानते हो ना, दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन होते हैं ई एन में, तो ई एन को आप ऐसे लिखोगे भाई, देख लो स्क्रीन पे मैं कैसे लिख रहा हूँ ई एन को, ई एन नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन, ये लो इसको बना लो इस कॉम्प्लेक्स को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। अब ये तो हो गया आपका सिस, ट्रांस कैसे बनाओगे, सिमिलर लिगेंड को ऑपोजिट साइड रख दो, ये लो सी एल सी एल को ऑपोजिट साइड रख दिया, अब बाकी को कहीं भी ड्रॉ कर दो कोई मतलब नहीं, ये लो ये लो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, फटाफट बना लो इसको, ये आपका हो गया ट्रांस। समझ में आपको आ ही गया कि सिमिलर लिगेंड को सेम साइड में रखेंगे तो सिस है, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे रखेंगे तो सिस है, और सिमिलर लिगेंड को ऑपोजिट में रखेंगे तो ट्रांस है। अगला फॉर्मूला दे दूं आप खुद बना दोगे क्या? बना सकते हो क्या बताओ जरा? ये लो अगला फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, एम एम ए ए टू और बी सी, ये लो। अब बी सी का मतलब क्या हो गया, जो यूनिडेंटेड लिगेंड है वो दो है और दोनों ही डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है ना। अब बताओ भाई ये फॉर ये ड्रॉ कर सकते हो क्या फटाफट बताओ? इसका एग्जांपल बता सकते हो क्या मुझे, कोबाल्ट का एक एग्जांपल बताओ फटाफट कोई सा भी। ए तो ई एन दे देते हैं है ना, चलो इस बार ओ एक्स देते हैं, हाँ ओ एक्स दे देते हैं, ये लो टू, और बी सी में क्या दें, सी एल दे दें और बी आर दे दें, ओके यस ये लो हो गया ना। अब इसके सिसो ट्रांस कैसे बनाओगे, लेकिन ये आपको बनाने हैं फटाफट कॉपी में, ट्राई करो भाई, सिमिलर लिगेंड सेम साइड हो गया सिस, सिमिलर लिगेंड ऑपोजिट साइड हो गया ट्रांस, बना सकते हो क्या बता दो? OX OX दोनों ऑपोजिट हो जाएगा वो ट्रांस होगा। अब इसमें B और C के बेसिस पे नहीं आएगा, OX के बेसिस पे आएगा, कैसे फटाफट बनाओ, ऑक्टाहेड्रल दो अभी बताता हूं, बन गई। अब आपको देना है सबसे पहले सिस, सिस देना, सिस बनाना है ना, तो OX OX में डोनर एटम क्या है, O है, ये लो एक मैंने ये बना दिया, एक और OX दे देते हैं, चलो भाई ठीक है यहाँ दे देते हैं OX, कोई बात नहीं, आप भी क्या याद करोगे, इसमें CLBR है ना, ये लो CLBR यहाँ रख देते हैं, OX हम यहाँ रख देते हैं, ये लो देख लिया आपने, ठीक है। अब ये है आपका सिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिमिलर लिगेंड ऑपोजिट साइड में नहीं है, लेकिन अब आपका ये होगा ट्रांस, कैसे, सी एल आप यहाँ दोगे और बी आर आप यहाँ दोगे, तो ओ एक्स ये लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ भी ओ एक्स और ये लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डोनर एटम लगा दिए हमने, ये हो गया आपका ट्रांस, कैसे, क्योंकि सिमिलर लिगेंड OX OX आपका ओपोजिट साइड में आ गया इसलिए ट्रांस हो गया, इसमें कोई भी सिमिलर लिगेंड ओपोजिट साइड में नहीं है इसलिए सिस है। आपको बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। आगे चलें,
आगे चलें तो भी इस फॉर्मूले का एग्जांपल आप ही लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा। कितना हो गया, 6 चल रहा है ना, ये इसका एग्जांपल आप ही लिखोगे। अच्छा फिफ्थ है क्या, कोई बात नहीं, ये लो। तो इसका एग्जांपल आप ही लिखोगे, ए ए और बी टू और सी टू। ये देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 2 बी लिगेंड है, 2 सी लिगेंड है और 1 ए है, डाइडेंटेट है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। सबसे पहले तो एग्जांपल लिखो और फटाफट अपनी कॉपी में इसके सिसो ट्रांस बनाओ। देखे कैसे आप लोग माइंड का यूज करते हो, फटाफट बनाओ। ये लो मैंने तो लिख दिया एग्जांपल, अब मैं सिसो ट्रांस भी बना देता हूं, आप स्क्रीन पे मत देखना प्लीज, फटाफट आप कॉपी में बनाओ क्योंकि आप सीखने वाले तभी हो जब आप कॉपी में बनाओगे, एग्जाम में भी आपको कॉपी में ही बनाना है। यस, किस किस ने बना लिया भाई, ईमानदारी से बता दो मुझे। बना लिए, चाहे गलत बनाओ चाहे सही बनाओ, लेकिन बनाना चाहिए कुछ भी, बना लिए ना। और किसने बनाई, मुस्कान तिवारी, तमन्ना, श्रेया, राघव, प्रज्ञान, बता दो, दर्शिका बता दो। नहीं पकड़ में आया, बन गया, वेरी गुड। और किसी का बना क्या, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने एफर्ट किया है ना। अभी इस एक बार स्क्रीन पे देख लो, ट्रिक आपकी वही रहेगी, सिमिलर लिगेंड ऑपोजिट साइड ट्रांस, ठीक है, सिमिलर लिगेंड ऑपोजिट साइड ट्रांस। इस हिसाब से पहला वाला क्या है, ट्रांस, ये ट्रांस है, ठीक है। और ये सेकंड वाला आप देखो, कोई भी सिमिलर लिगेंड ऑपोजिट साइड में नहीं है, सब एडजेसेंट पोजिशन पे है, इसलिए आप इसको बोलोगे सिस, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ये क्लेम नहीं करोगे कि सर BR तो एडजेसेंट पोजीशन पे है ना, तो ये कैसे ट्रांस हुआ, नहीं, हमें एक पेयर पकड़ना है कोई भी सिमिलर लिगेंड का। आपने CLCL पकड़ लिया बस, तो ये CLCL पकड़ लिया आपने जो ऑपोजिट पोजीशन पे, ये ट्रांस। यदि आप BR पकड़ोगे तो आपको BR को ऑपोजिट पोजिशन पे लाना पड़ेगा, बात समझ में आई। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इसका आपका क्या हो गया, सिस हो गया और वो ट्रांस हो गया, मतलब ये ट्रांस है और ये वो सिस है। तो इस तरह से ये जो आपके क्या बोलते हैं, सिसो ट्रांस के, ऑक्टाहेड्रल के, ये इतने एग्जांपल थे। अब जो लास्ट पॉइंट है वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, वो बड़ा ही खतरनाक है, और एग्जांपल नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, आप मुझे बताओगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या, फटाफट बता दो। नो सर, इसमें नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सेम साइड एक ही जैसे हैं, ठीक है, तो फिर आपको तो ये तो पता ही होगा इसमें पॉसिबल है कि नहीं है, बता दो। इसमें भी नहीं है, तो आपको ये तो जरूर पता होगा, यू नो इट एंड आई नो दैट। नो सर, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि सारे डोनर एटम सिमिलर हैं, सारे लिगेंड सिमिलर हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये तीनों ही नहीं दिखाते हैं। लिख लो, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये तीनों फॉर्मूले, ठीक है। अब लेकिन फिर 7 कोई जबरदस्त है क्या, हाँ बहुत जबरदस्त है। अब हमने क्या किया, जैसे हमने स्क्वायर प्लेनर में चारों लिगेंड अलग अलग किए थे ना, ABCD, वैसे ही हमने क्या किया, ABCDEF, ये लो भाई 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट। अब इसका बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, मैं बता देता हूँ, इसके बनेंगे 15 ज्योमेट्रिकल
आइसोमर कैसे बनेंगे, पेयरिंग आपको करनी पड़ेगी, एक में ए के ऑपोजिट बी लोगे, एक में एक के ऑपोजिट सी लोगे, एक में ए के ऑपोजिट डी लोगे, एक के ऑपोजिट ई लोगे, ए के ऑपोजिट एफ लोगे, फिर बी के ऑपोजिट सी लोगे, बी के ऑपोजिट डी लोगे, इस तरह से 15 पेयर्स बन रहे हैं इसमें, तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगी। ठीक है, और आपको बता देता हूँ 8th नंबर का है, आपने क्या किया एम ए बी सी डी और ई का कर दिया 2, ये लो, तो 5 टाइप के लिए हो गए ना, इसमें आपके 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे बता दो? 9। ठीक है, वो पेयरिंग आपको करनी पड़ेगी, जो पेयरिंग है ना ये, वो पेयरिंग आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जितने भी सारे केसेस थे वो सारे हमने क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ठीक है, 8 जो है वो देख लिए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से ड्रॉ करते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड को किस तरह से शो करते हैं, कनेक्ट किस तरह से करते हैं, ये सारा हमने देख लिया है ना, कौन सा दिखाता है कौन सा नहीं दिखाता है, ये सारी हम देख लिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कल हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।